शांति। सर्वशक्तिवान बेहद का बाप परमपिता परमात्मा संगम युग पर आकर हम आत्माओं को संपूर्ण पावन बनने की युक्ति बताते हैं। वर्तमान समय हमें पूरा बेगर बनना है, तभी हम भविष्य 2 जन्मों के लिए प्रिंस बन सकेंगे। आइए रिवाइज करते हैं आज के 11 जून 2024 के मधुर भावाक्यों को। संपूर्ण पावन बनने की युक्ति क्या है? बाप को याद करो, देह सहित सब संबंधों को भूल पूरा बेगर बनो। प्रिंस कौन बनते हैं? धन संपत्ति वैभव आदि सब भूलने वाले। ज्ञान की बातों को कौन समझते हैं? जो अच्छे समझदार हैं, जिन्होंने बहुत बुद्धि की है। संगम युग में क्या होता है? ज्ञान दिन आता, हमारी माया से युद्ध होती, हम नई दुनिया के लिए पढ़ते, आत्माओं को परमात्मा का प्यार मिलता, हम ऊंच पाठधारी बनने के लिए पुरुषार्थ करते, हम पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करते। शिव बाबा संगम युग में आकर क्या करते हैं? वर्षा देते, ताकत देते, योग सिखाते, सब राज समझाते, सर्व की सदगति करते, सबकी महिमा सुनाते, स्वर्ग की स्थापना करते, स्वास्तिका का अर्थ समझाते, पतित से पावन बनने की युक्ति बताते, ऊंच पाठधारी बनने के लिए पुरुषार्थ कराते। किसको क्या कहा जाता है? संगम को कुंभ, पावन दुनिया को स्वर्ग, छोटे बच्चे को सतो प्रधान, बाप को भूलने को बेमुख होना, आत्मा और शरीर साथ होने को जीवात्मा, नई से पुरानी, पुरानी से नई वर्ल्ड होने को हिस्ट्री रिपीट होना, जब बाप बच्चों से मिलते हैं उस समय को कल्याणकारी संगम। क्या होने से क्या होता है? आत्मा के पावन होने से सुख होता, देह अभिमान में आने से 5 विकार पकड़ लेते, पावन बनने से पावन दुनिया का मालिक बनते, आत्मा को परमात्मा की याद रहने से बैटरी भरती, बेहद की वैराग्य वृत्ति का वातावरण होने से सहयोगी सहज योगी बन जाते। देह से पूरा बैगर बनने के लिए क्या याद रखना है? हमें बैगर से प्रिंस बनना है। हमारी पढ़ाई नई दुनिया के लिए है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब खत्म हो जाना है। कुछ बातों के लिए बाबा ने बताया ऐसा क्यों है। रावण नए को पुराना बनाता क्योंकि देह अभिमान में लाता। सर्व के सद्गति दाता को सब याद करते हैं क्योंकि वह सबको सुख देने वाला है। अब संपूर्ण पावन बनना है क्योंकि वापस घर जाना है और फिर पावन दुनिया में आना है। मनुष्य शिवरात्रि की हॉलिडे नहीं करते क्योंकि वे नहीं जानते कि शिव आकर क्या करते हैं। मनुष्य अल्पकाल के चमत्कार दिखाते हैं लेकिन वह सिद्धि सदाकाल नहीं रहती, क्योंकि थोड़े समय में ही सतो रजोतमो तीनों स्टेजेस से पास करते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है क्योंकि जो स्वर्ग पास्ट हो गया है फिर जरूर रिपीट होगा। हमें किन बातों की धारणा करनी है? देह से भी पूरा बेगर बनने का पुरुषार्थ करना है, बाप समान ज्ञान का सागर शांति का सागर बनना है, आत्मा को बाप की याद से सतो प्रधान पावन बनाना है, देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना है। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें देही अभिमानी बन बाप को बहुत प्यार से याद करना है क्योंकि यही याद हमें पावन सतो प्रधान बनाएगी। और संगम पर यदि हम देह सहित सब कुछ भूल पूरा बेगर बनेंगे तभी हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस बन सकते हैं। ओम शांति।